हाय गाइस, तो ड्रामा की शुरुआत में हम शिया को देखते हैं, जो कि सुबह होते ही अपने आप को बिन कपड़ों के पाती है। फिर इसे याद आता है कि लास्ट नाइट ड्रंक होने की वजह से इसका किसी के साथ वन नाइट स्टैंड हो गया है, और मनी मन में सोचती है कि उस बंदे के बाहर आने से पहले मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। लेकिन तभी हमारा हीरो जी मिंगशू, जो कि नहा कर बाहर निकलता है और कहता है, तुम कहाँ जा रही हो, हमें साथ में चलना चाहिए। शिया सोचती है कि शायद इसे लास्ट नाइट के पैसे चाहिए, और ये अपने पर्स से ढेर सारे पैसे निकाल कर बेड पर रख देती है। अब जी मिंगशू हमें अपनी कहानी बताता है कि 10 साल पहले जब ये पेरिस पढ़ने के लिए गया था, तभी इत्तेफाक से किसी चोर ने इसका वॉलेट चुरा लिया होता है, जिसमें इसके सारे कार्ड्स और पैसे वगैरह होते हैं। ये बात 10 साल पहले की होती है। ये बहुत ही परेशान हो जाता है। जी मिंगशू, जो कि इस शहर में एकदम नया होता है, कोई भी इसे इधर नहीं जानता, तो आखिर ये मदद किससे मांगता। लेकिन तभी यहाँ पर शिया आती है, और वो जी मिंगशू के लिए एकदम स्ट्रेंज होती है, बोले तो एकदम अननोन पर्सन होती है। लेकिन इतना अननोन होने के बावजूद भी वो इसकी पूरी हेल्प करती है, और इसे ढेर सारे पैसे भी देती है ताकि ये अपनी केयर कर सके। प्रेजेंट में ये मनी मन में कहता है कि खैर, इसे तो मैं याद नहीं, लेकिन तुम मुझे हमेशा याद रहोगी। ये दोनों चिपक कर खड़े होते हैं कि तभी यहाँ पर शिया की सिस्टर आ जाती है, और वो इन दोनों की पिक्चर क्लिक कर लेती है। शिया या उनके सिस्टर काफी ज्यादा लालची किस्म के इंसान है। ये अपनी बहन शिया से कहती है कि वाह दीदी, आपने तो किसी और के साथ वन नाइट स्टैंड कर लिया, कैसा होगा अगर ये बात आपके फियांसे को पता चल जाए, तब तो आपके लिए बहुत बड़ी बवाल खड़ी हो जाएगी, आखिर में वो आपसे शादी ही नहीं करेगा। शिया यौन भी इसे जवाब देती है कि मेरी लाइफ में इतना इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। शिया यौन की सिस्टर जी मिंगशू से भी कहती है कि आखिर तुम जानते हो कि मेरी बहन कौन है, बिना जाने माने तुम किसी लड़की के साथ इस तरह से वन नाइट स्टैंड कैसे कर सकते हो। जी मिंगशू कहता है कि हाँ, मैं जरूर जानता हूँ इसे, और इसका नाम है शिया यौन। ऐसा सुनकर शिया यौन हैरान हो जाती है, क्योंकि शायोन ने इसे अभी तक अपना नाम तक नहीं बताया होता है, और ये तो ये भी नहीं जानती कि 10 साल पहले ये लोग मिल भी चुके हैं। जी मिंगशू सिया की बहन से कहता है कि मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, हो सके तो फ्यूचर में इसी से शादी भी करूंगा। ऐसा सुनकर ये तो ऑफेंड हो जाती है। मिंगशू इन दोनों के साथ में तस्वीर क्लिक कर ली होती है, इसीलिए इन दोनों को ब्लैकमेल करती है। लेकिन जिया मिंगशू बहुत चालाक है, और वो यहाँ पर तुरंत शिया की बहन से चिपकने लग जाता है, और शिया को कहता है फोटो निकालने के लिए। ये सब देखकर शिया की बहन परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम दोनों बहुत ही ज्यादा चालाक बन रहे हो, ऐसा कहकर यहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में ये दोनों लोग होटल से बाहर आते हैं। ये लोग एक होटल के सामने खड़े होते हैं। शिया यौन कहती है कि तो फिर तुम इसी होटल में काम करते हो। जी मिंगशू कहता है कि हाँ, मैं और भी काम करता हूँ, पैसों की प्रॉब्लम की वजह से मुझे तरह तरह की जॉब करने पड़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर शिया यौन की कार आ जाती है, जो कि एक लग्जरियस कार होती है। वो अपने कार में बैठकर इसे बाय कहती हुई यहाँ से चली जाती है। इसके जाने के बाद यहाँ पर जिया मिंगशू का सेक्रेटरी रोल्स रॉयस में आता है, और अपने बॉस को काम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देकर यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम शिया यौन के डैड को देखते हैं। यहाँ पर शिया यौन की सिस्टर होती है, और शिया यौन का होने वाला फियांसी भी यहीं पर बैठा होता है। शिया यौन का फियांसी बहुत ही ज्यादा ईगो दिखा रहा होता है, और कह रहा होता है कि मुझे अब ये एंगेजमेंट नहीं करना है। शिया यौन के डैड उसे कन्विंस करते हैं कि आप ऐसे थोड़ी ना एंगेजमेंट तोड़ सकते हैं, ये काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और अब ये शिया यौन को कॉल करते हैं और कहते हैं कि तुम कहाँ हो। डैड कहते हैं कि लू हांगजान तुमसे एंगेजमेंट तोड़ने के लिए कह रहे हैं, तो शिया यौन कहती है कि मुझे कोई घंटा फर्क पड़ता है, अगर वो एंगेजमेंट तोड़ते भी हैं तो मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना मुझे उनसे शादी करनी है, ना ही उनका फियांसे बनने का कोई शौक है। इसके डैड कह रहे होते हैं, तुम्हें मालूम है ना, अगर तुम 25 की होने से पहले शादी नहीं करती हो तो तुम्हारी फैमिली की विरासत तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी। और तभी शिया यौन के पास जी मिंगशू नाकर टकराता है। ये इसे देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम कितने तरह के काम किया करते हो, आज यहाँ पर ईट आउट हो रहे हो। तो ये कहता है कि हाँ, पैसे कमाने के लिए तरह तरह के काम करने पड़ते हैं ताकि ज्यादा पैसे कमाए जा सके। ये इसे कहती है वैसे तुम शादीशुदा हो, तो ये कहता है नहीं, मैं मैरिड नहीं हूँ। तो फिर ये इसे पकड़ कर ले जाती है और डायरेक्टली इससे शादी ही कर लेती है। ये बंदा इसे काफी स्वीट एंड इनोसेंट लगता है, इसीलिए ये इस गरीब से शादी कर लेती है।
था कि शिया फैमिली की प्रॉपर्टी जिस पर इसी का हक है वो किसी और के हाथ न लग सके। शादी करने के बाद अपना अपना सर्टिफिकेट लेने के बाद ये चिंग युंगशिंग से कहती है कि ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तुम इसे सीरियस मत समझना। जब तक मैं तुम्हें कोऑपरेट करने के लिए कह रही हूँ बस तभी तक तुम्हें एक्टिंग करनी है और उसके लिए मैं तुम्हें 50,000 युआन पे करूंगी। ऐसा सुनकर ये कहता है कि ठीक है मैं आपके साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करूंगा। शियायान अब घर पर आती है, इसके डैड इसके ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं, कहते हैं कि तुम क्या चाहती हो कि शिया फैमिली की जो प्रॉपर्टी है वो किसी और के हाथ लग जाए, तो ये अपना मैरिज सर्टिफिकेट रखती है और कहती है कि मैंने शादी कर ली है। मैरिज सर्टिफिकेट पर जी युंगशिंग का नाम देखकर इसके डैड कहते हैं कि ये नाम तो सुना सा लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस इंसान को जानता हूँ। शियायान के सिस्टर कहती है कि रोड छाप से शादी करके आई हो, इतना ज्यादा घमंड क्यों दिखा रही हो, ऐसा लग रहा है किसी मिलियनर से शादी कर लिया है। शियायान कहती है मैंने मिलियनर से शादी तो नहीं करा, बट हाँ तुम जरूर मिलियनर से शादी करना, लेकिन पहले अपने कपड़े पहनने के तरीके को तो सुधारो, ऐसा लग रहा है कि टॉवल लपेट कर बैठी हो, ऐसी लड़की को आखिर कौन मिलियनर पसंद करेगा। शियायान के मुंह से ऐसी बातें सुनकर ये तो ऑफेंड हो जाती है और चिल्लाने लग जाती है। डैड कहते हैं सब लोग चुप हो जाओ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। ये सब कहकर शियायान यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम इसे इसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ देखते हैं और ये अपने बेस्ट फ्रेंड को कहती है कि मैंने शादी कर ली है। शियायान की फ्रेंड कहती है कि ऐसे कैसे शादी कर ली, तुम जानती हो ना शादी प्यार ये सारी चीजें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, तो तुमने किससे शादी करी है। तो ये कहती है कि हाँ बस कर लिया मैंने किसी से शादी और मैं उसे 50,000 युआन हर मंथ पे भी करूंगी, उसे बस मेरे साथ मिलकर एक्टिंग करना है मेरे अच्छा हस्बैंड होने का। शियायान की दोस्त कहती है कि 50,000 युआन तो तुम मेरे काम करने के भी पेमेंट नहीं करती, इतनी तो मेरी सैलरी नहीं है और इतना तुम्हारे हस्बैंड के सिर्फ एक्टिंग करने की सैलरी है। तो ये कहती है हाँ ऑब्वियसली क्यों नहीं। ये पूछती है वेल तुम दोनों मिले कैसे, तो फिर ये याद करती है कि वैसे हम दोनों तो वन नाइट स्टैंड की वजह से मिले थे, लेकिन फिर ये इसे कुछ नहीं बताती है और कहती है कि ये सब सवाल करने से क्या मिलेगा, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है हमारी स्टोरी। नेक्स्ट सीन में हम जिया मिंगशियो को देखते हैं जिसका सेक्रेटरी कह रहा होता है कि वेल आपने शादी कर ली। मैरिज सर्टिफिकेट पर ये शियायान का नाम देखकर कहता है कि ये तो शिया फैमिली की डॉटर है, ये काफी ज्यादा रिच है, इनकी भी एक कंपनी है। जियायांग कहता है कि वेल तुम्हें मैं एक मजे की बात बताऊं, ये अभी मेरी रियल आइडेंटिटी नहीं जानती है। ऐसा सुनकर इसका सेक्रेटरी हैरान हो जाता है और कहता है कि फेक आइडेंटिटी बताकर आपने शादी करी है। तभी यहाँ पर शियायांग का कॉल आता है। जियामिंगशियांग जब इसका कॉल उठाता है तो वो कहती है कि क्या कर रहे हो। जियामिंगशियांग कहता है कि मैं अभी ईटा ढो रहा हूँ, तो वो कहती है कि मैं तुम्हें अपना लोकेशन सेंड कर रही हूँ, जल्द से जल्द मेरे पास आओ। और फिर ये अपने सेक्रेटरी को एक ऑकवर्ड लुक देखकर यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम शियायान को एक टेलर के पास देखते हैं। ये टेलर सिर्फ रिच लोगों के ही कपड़े सिला करता है क्योंकि इसके कपड़े बहुत महंगे हुआ करते हैं। आज यहाँ पर ये जियामिंगशियांग के लिए सूट बनवाने के लिए आई हुई होती है, लेकिन ये टेलर कहता है कि सॉरी मुझे माफ करिएगा, मैं आपका ऑर्डर लेने से कभी मना नहीं करता हूँ, लेकिन आज आप बहुत ज्यादा लेट आई हैं, आपको थोड़ा पहले आना चाहिए था, अब बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आ चुके हैं तो मैं आपका ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और तभी यहाँ पर जियामिंगशियांग आता है। टेलर इसे देखकर हैरान हो जाता है और खड़ा होकर वेलकम करने ही वाला होता है कि तभी जियामिंगशियांग उसे हटने के लिए इशारा कर देते हैं। ऐसा देखकर टेलर समझ जाता है कि मुझे यहाँ पर नाटक करना है। शियायान टेलर से कहती है कि मिलिए मेरे हस्बैंड जियायांगशियांग से, मैं इसी के लिए सूट बनवाने आई हूँ। टेलर कहते हैं हाँ बहुत आराम से बन जाएगा, मुझे मेजरमेंट की भी कोई जरूरत नहीं है। शियायान कहती है कि मेजरमेंट तो लगेगा क्योंकि ये पहले यहाँ कभी नहीं आया, तो टेलर झूठ बोलता है कि नहीं मैं बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हूँ, मैं लड़कों को देखकर बता सकता हूँ कि उनकी बॉडी पर कैसा सूट फिट बैठेगा, मुझे मेजरमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद शियायान इसे कुछ सूट्स ट्राई करने के लिए कहती है। जब ये सूट्स ट्राई करता है तो शियायान सारे सूट्स को रिजेक्ट कर देती है, लेकिन एट लास्ट ये एक बहुत ही अच्छा कलर पहनता है जो कि शियायान को पसंद आता है और इतना महंगा सूट ये इसके लिए बिना सोचे समझे खरीद देती है। जब ये अपनी वाइफ के साथ बाहर आता है तो यहाँ मर्सिडीज खड़ी होती है जो कि शियायान की होती है। ये मर्सिडीज देखकर ये कहता है कि इतनी महंगी गाड़ी मैं अपनी लाइफ में पहली दफा देख रहा हूँ। शियायान कहती है कि इस शहर में तो बहुत से लग्जरियस कार चलते फिरते रहते हैं, तो तुम आज पहली दफा कैसे देख रहे हो। तो ये बताता है कि मैंने देखी तो है लग्जरियस कार, बट कभी पास से नहीं देखी और ना ही कभी छुआ है और ना ही कभी बैठा है।
ऐसा सुनकर ये अंदर ही अंदर हंस रही होती है और सोच रही होती है कि ये कितना स्वीट एंड इनोसेंट है। वह तभी यहाँ पर लू हैंगडांग आ जाता है। लू हैंगडांग कहता है कि वह मेरी स्वीट फियांसे यहाँ पर क्या कर रही है। शिया यांग कहती है कि अब मैं तुम्हारी फियांसे नहीं बल्कि जी यांग श्यांग की वाइफ हूँ। और फिर ये जी यांग श्यांग से कहता है कि मिलो, ये मेरी फियांसे है। जी यांग श्यांग कहता है शायद तुम्हें सुनाई नहीं देता कि उसने कहा कि वो तुम्हारी फियांसे नहीं बल्कि मेरी वाइफ है। और ये दोनों लोग यहीं पर बहस करने लग जाते हैं। जिया यांग श्यांग अपनी वाइफ से कहता है कि वाइफ तुम चल के कार में बैठो, आज मैं ड्राइव करूंगा। ये दोनों लोग मिलकर लू हैंगडांग को यहाँ पर जेलसी फील करा रहे होते हैं। जी यांग श्यांग लू हैंगडांग से कहता है कि जरा रास्ता छोड़ देना क्योंकि मैं ड्राइविंग बड़ी खतरनाक करता हूँ, क्या पता तुम्हें टक्कर लग जाए। वेल, नेक्स्ट सीन में ये दोनों एक रेस्टोरेंट में आए हुए होते हैं और ये रेस्टोरेंट भी जियांग यांगशांग का होता है, लेकिन ये बात शिया यान नहीं जानती है। जी यांगशांग कह रहा होता है कि वेल तुम्हारा दोस्त अभी तक आया नहीं। और तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जो कि इन्हें घूर घूर कर देख रहा होता है, लेकिन एक्चुअल में तो वो जी यांगशांग को देख रहा होता है। वो यहाँ आकर कहता है कि वेल आप खुद के ही रेस्टोरेंट में बैठ कर खा रहे हैं, आप बहुत ही हम्बल पर्सन है। ऐसा सुनकर शिया यान हैरान हो जाती है तो ये बंदा यहाँ पर झूठ बोलता है क्योंकि ये समझ जाता है कि सर अपनी आइडेंटिटी फेक कर रहे हैं। तो वो भी यहाँ पर नाटक करने लग जाता है कि मैं यहाँ पर काम करता हूँ और ये कंपनी इस शहर की सबसे बेस्ट कंपनी है, तो आप लोग अपना फूड एंजॉय करिए, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर बहाना मारकर वो यहाँ से निकल जाता है। तभी यहाँ पर हम शिया यान के बेस्ट फ्रेंड को देखते हैं जिसका ये दोनों कब से वेट कर रहे होते हैं। इसका नाम होता है सैंगमिन। ये आते ही यहाँ पर शिया यान को जोर से गले लगाता है और ये दोनों यहाँ पर बहुत ही हंस बोल रहे होते हैं जो कि जिंगमिंग शान देखकर बहुत ही जेलसी फील कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में ये लोग लंच वगैरह करने के बाद सैंगमिन शिया यान से कहता है कि वेल मैं चाइना कुछ ही दिन के लिए आया हुआ हूँ, मेरा काम खत्म होने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तो मैं टाइम निकाल कर तुमसे जरूर मिलूंगा। ऐसा देखकर जिया यांग शान तो और भी ज्यादा जेलस फील करता है। इसके जाने के बाद जिंगमिंग सिंह कहता है कि वह तुमने अपने दोस्त को बताया क्यों नहीं कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो ये कहती है कि हर एक बात बताना जरूरी नहीं है, हमारा खून का रिश्ता नहीं है लेकिन हम दोनों भाई बहन से भी ज्यादा बढ़कर हैं, हम दोनों का रिलेशन काफी अच्छा है। और वैसे भी तुम कौन सा लाइफ टाइम के लिए मेरे हस्बैंड रहने वाले हो, तुम तो कॉन्ट्रैक्टेड हो, अगर हमारे बीच कुछ भी रियल होता तो मैं अपने दोस्त को बताती भी, लेकिन जब रियल है ही नहीं तो फिर मैं क्यों बताऊं। तुम कहती है वेल ये सब छोड़ो और अपना 9 to 5 जो जॉब है उससे पीछा छुड़ाओ, मैं तुम्हें कल एक जगह इंटरव्यू देने के लिए बुलाऊंगी और टाइम पर चले आना। जब ये कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आता है तो हमें पता चलता है कि ये शिया यान की ही कंपनी है। अब जबकि वो 25 की होने से पहले टाइम पर शादी कर चुकी है, तो शिया फैमिली की जो भी प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी इसकी हुई, तो कोई भी बिजनेस के मामले में इसे इंटरप्ट नहीं कर सकता और ये सारे फैसले खुद से ही ले सकती है। जी मिंगशिंग यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए जब आता है तो इंटरव्यूअर इसकी डिग्रीज वगैरह देखकर हैरान हो जाते हैं कि इसने तो पेरिस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करा है, इसकी डिग्रीज वगैरह काफी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से हैं, लेकिन ये 3 साल का गैप किस लिए, आखिर तुम 3 साल तक थे कहाँ। मे बी जी मिंगशिंग 3 साल तक अपने बिजनेस पर टाइम दे रहा था, तो ये झूठ कहता है कि 3 साल तक मेरी तबीयत खराब थी जिस वजह से मैंने पढ़ाई कम्प्लीट करके मैंने 3 साल घर पर बिताया, लेकिन कोई भी इसकी बात पर बिलीव नहीं करता। इंटरव्यूअर ये भी पूछते हैं कि हैल्टन होटल का जो डिजाइन है उसका इंटीरियर डिजाइन किया तुमने या फिर तुम्हारी टीम ने करा है, तो फिर ये कहता है नहीं नहीं मैं आपको कह रहा हूँ ना कि मैंने आज तक कभी किसी इंटीरियर डिजाइन या फिर कभी किसी प्रोजेक्ट पर काम नहीं करा है, मैंने पढ़ाई कम्प्लीट करी है बट मैंने कहीं जॉब नहीं करा है, तो मुझे जॉब का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एक्चुअल में ये तो बिजनेसमैन है तो इसे जॉब का एक्सपीरियंस कहाँ से होगा। तभी यहाँ पर श्याम यान आती है और कहती है कि ये पहले क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था, इसकी पास्ट लाइफ से आप लोगों को क्या लेना देना है, ये इस जॉब के लिए कैपेबल है या नहीं ये आप लोगों को चेक करना था, लेकिन आप लोग तो आउट ऑफ लिमिट ही सवाल कर रहे हैं। इसके बाद ये जी मिंगशिंग से कहती है कि तुम इस पोस्ट के लिए हायर हो चुके हो तो कल से काम करने के लिए टाइम पर आ जाना, तो ये श्याम यान को थैंक यू कहकर यहाँ से चला जाता है। वेल, नेक्स्ट डे ये फिर से अपने हस्बैंड को कॉल करती है और कहती है कि तुम कहाँ हो, तो वो कहता है कि मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर हूँ। ये कहती है कि तुम अभी तक ईटा बालू ढो रहे हो, मैंने तुम्हारी जॉब लगवा दी फिर भी तुम वो काम कर रहे हो। जी मिंगशिंग कहता है कि मुझे अपना काम हैंडओवर भी तो करना है, मैं ये करके कंपनी में आ जाऊंगा, ये इसे इसका लोकेशन मानती है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जी मिंगशिंग अपना सारा काम सेक्रेटरी के हवाले छोड़ देता है और कहता है कि आई होप तुम्हारे लिए ये
पोजीशन अच्छा होगा और तुम सारे काम को अच्छे से हैंडल कर सकोगे। सेक्रेटरी भी कहता है कि एक बार फिर से शिया फैमिली के ग्रुप में जाने से पहले सोच लीजिए, आप इस काम के लिए श्योर तो है ना। इसके बाद यहाँ पर शिया यहाँ आ जाती है। ये कहता है कि मैं अपने बॉस से बात कर रहा था और अपना काम वगैरह हैंड ओवर करवा रहा था। शिया यहाँ कहती है कि तुम्हारी बॉस अब मैं हूँ तो चलो मेरे साथ। आखिर तुम्हारा बॉस तुम्हें कितने पैसे देता था? मैं उससे ज्यादा दूंगी। ये से कहती है वेल मैं बहुत थक गई हूँ तो मुझे अपने घर लेकर चलो। तो ये कहता है मेरा घर तो यही है। तो ये कहती है कहाँ यही है। ये सोचती है कि आसपास के बिल्डिंग में रहता होगा, लेकिन फिर ये साइड पर छोटी सी झोपड़ी दिखाता है। ऐसा देखकर ये हैरान हो जाती है। ये इसे अंदर आने के लिए कहता है। ये इसे कहता है कि ये जो है इसे मैं चार लोगों के साथ शेयर करके यहाँ रहता हूँ। ऐसा सुनकर ये हंसने लग जाती है कि इतना छोटा सा घर और ऊपर से चार लोग शेयर कर रहे हैं। और ये नर्वस हो जाने लग जाती है और कहती है वेल मैं यहाँ से जा रही हूँ, बाय बाय। नेक्स्ट सीन में ये कंपनी में काम कर रहा होता है, तभी यहाँ पर हंगो नाम का कलीग आकर कहता है कि मैम आपको ऑफिस में बुला रही है, कोई काम है। जब ये आता है तो श्या यहाँ से कहते हैं कि तुम्हारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, तुम्हारे साथ स्टाफ किस तरह से बिहेव करते हैं, सभी लोग हम्बल हैं या फिर सब में एटीट्यूड है। ये इसे अपने साथ बाहर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन ये कहता है कि जो मैं काम कर रहा था वो अभी भी अधूरा है। श्या यान कहती है कि आज तुम्हारा काम पर पहला दिन है तो इतना ज्यादा सीरियस मत हो, मेरे साथ बाहर चलो। जब ये दरवाजा खोलती है तो वो कली यहाँ दरवाजे पर इनकी बातें सुन रहा होता है। श्या यान को देखकर ये यहाँ से नाटक करके भाग जाता है। श्या यान कहती है कि ये बंदा मुझे थोड़ा एबनॉर्मल लगता है, आई थिंक इसे कंपनी में नहीं होना चाहिए। मतलब ये इसे जहाँ लेकर आती है। जी बिंग शिंग पूछता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं, तो ये कहती है ऑब्वियसली मैं एक घर खरीदने के लिए आई हूँ। जी बिंग शिंग डरने लग जाता है कि मैं तो यहाँ अक्सर आया करता हूँ, अगर किसी ने मुझे पहचान लिया तब तो मेरी वाट लग जाएगी। ये लोग यहाँ पर घर देख ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर इसकी सिस्टर आ जाती है और कहते हैं कि सिस्टर अभी अभी मेरी शादी हुई है और मैं घर देखने के लिए आई हूँ। श्यायान किंग बिल्डिंग लेने वाली होती है और यहाँ पर सेक्रेटरी किंग बिल्डिंग के जो भी कागजात होते हैं वो श्यायान को लाकर देती है, लेकिन इसकी सिस्टर का हस्बैंड ये पेपर्स छीन लेता है और अपना कार्ड निकाल कर देता है कि किंग बिल्डिंग हम खरीदेंगे, जो पहले पेमेंट करेगा बिल्डिंग भी उसी की हुई। सेक्रेटरी कहती है ऑफकोर्स सर आप कार्ड दीजिए मैं तुरंत पेमेंट करवाती हूँ। जब ये पेमेंट करवाने के लिए लेकर जाती है तो वापस आकर कहती है कि सॉरी सर आपका कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, कुछ टाइम बाद हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे तो फिर आप पेमेंट करके ये बिल्डिंग ले सकते हैं। ये कहता है कि वेल अब मुझे ये बिल्डिंग खरीदनी ही रही है। ऐसा कहकर यहाँ से चला जाता है और उसके बाद सेक्रेटरी श्यामयान के पास आता है और कहता है कि मैम आप कहाँ जा रहे हो, आपको तो किंग बिल्डिंग खरीदनी थी। तो श्यामयान कहती है कि आपका तो पेमेंट एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। तो ये कहता है कि वो सर का पेमेंट एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, लेकिन आई थिंक आपका हो जाएगा। एक्चुअली ये सारा गेम जी मिंग शिंग का होता है, क्योंकि जब उसने देखा कि इसकी सिस्टर ऐसा गेम खेलने वाली है तो वो भी गेम खेल देता है और ये किंगलैंड किसी और को नहीं बल्कि सिर्फ श्यामयान को ही दिलवाता है। और तो और ये 30 मिलियन की जो बिल्डिंग होती है ये सिर्फ और सिर्फ 15 मिलियन में मिल जाती है, वो भी सिर्फ जिंग विंग शिंग की वजह से। श्यामयान बाहर आकर बहुत खुश होती है और कहती है कि आज मेरा दिन बहुत ही अच्छा गया। लेकिन जरा सोचो वो सेक्रेटरी के अंदर इतनी पावर कहाँ से आई कि उसने मुझे इतना बड़ा डिस्काउंट दे दिया, कहीं बाद में उसको फायर न कर दिया जाए। वैसे जो भी कहो इस कंपनी के जो मालिक यानी कि मिस्टर जी हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, तभी तो उनके सेक्रेटरीज इतने अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं और इतने फ्रेंडली नेचर वाले हैं। तभी यहाँ पर जेमिंग शिंग कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि मैं मिस्टर जी की तरह दिखता हूँ, तो ये इसके सवाल पर हंसने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम शिया के सिस्टर को देखते हैं जो कि श्यायान के डैड को भड़का रही होती है और कह रही होती है कि आज वो उस बंदे के साथ जो कि भिखारी है जो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम किया करता है जिसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है वो उसके साथ किंग बिल्डिंग खरीदने के लिए गई हुई थी। यहाँ पर मॉम कहती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये शिया फैमिली का नाम डुबा कर रहेगी, आखिर हमें कुछ तो करना चाहिए। ये सारा बात सुनकर डैड कहते हैं कि ये कितना बड़ा फर्स क्रिएट कर रही है, मैं इसे इस तरह से नहीं छोड़ सकता, अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो हमारी शिया फैमिली बहुत ही बड़े ट्रबल में आ जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम श्रिया के सिस्टर को लू हैंग डैंग के साथ में देखते हैं और ये दोनों लोग यहाँ पर मिलकर कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं। इन दोनों को देखकर ये भी पता चलता है कि इन दोनों के नाजायज संबंध हैं। ये लोग श्रिया यान को सबक सिखाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि इस बार की मीटिंग में उसकी अच्छी खासी क्लास लगेगी और मैं उसकी टास्क में उसे सक्सीड नहीं होने दूंगा। लेकिन इन्हें क्या पता कि श्यायान कितनी शातिर लड़की है, पीछे से ये सारा कुछ रिकॉर्ड कर रही होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में मीटिंग का सीन देखते हैं। वेल नेक्स्ट सीन में हम मीटिंग का सीन देखते हैं और यहाँ पर हम वाइस प्रेसिडेंट जैंग को देखते हैं जो कि मैशी ग्रुप के शेयर होल्डर हैं।
ये जो वाइस प्रेसिडेंट हैं और इनके साथ में जो भी बंदे हैं, ये सभी लोग श्रिया को उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं कि न्यूज में बहुत टाइम से ये बात वायरल थी कि आप लो हैंग डैंग के साथ में शादी करेंगी, जिस वजह से हमारी कंपनी और आपकी कंपनी बहुत ही प्रॉफिट में चल रही थी, क्योंकि ऑडियंस को यही चाहिए था कि आप लो हैंग डैंग से शादी करें, लेकिन अब आपने उनसे शादी तोड़ के हमारी स्टॉक प्राइस गिरा दी है। तो श्रिया कहती है कि कंपनी और बिजनेस ये अपनी जगह है और प्राइवेट लाइफ अपनी जगह है, किसी और के पसंद से मैं शादी क्यों करूंगी, ऑडियंस क्या चाहती है मेरी प्राइवेट लाइफ को लेकर और उसके हिसाब से मैं डिसीजन क्यों बदलूंगी, मुझे लो हैंग डैंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो फिर मैं ऑडियंस की वजह से उससे क्यों शादी करूंगी। और वैसे भी प्राइवेट लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ अलग होनी चाहिए, मैं दोनों को एक साथ मिक्स नहीं कर सकती। लेकिन ये लोग इसकी बात से एग्री नहीं कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि स्टॉक मार्केट प्राइस तो गिर चुका है, तुम ये बताओ कि इस चीज को हम ठीक कैसे करें। तो ये कहती है हाँ, ये कह सकते हैं कि इस चीज को ठीक करा जा सकता है, लेकिन बस मेरी शादी को बीच में ना लाइए। अब ये सभी से कहती है कि जैसे कि मैंने श्रिया फैमिली की जो भी बिजनेस वगैरह है वो सब मुझे हैंडओवर हो चुका है, तो अब से मैं सभी से प्रॉमिस करती हूँ कि हाफ एन ईयर के अंदर अगर मैं इस लॉस को प्रॉफिट में नहीं बदलती हूँ तो फिर मैं खुद अपने पोजीशन से रिजाइन दे दूंगी। इस मीटिंग के बाद श्रिया का मूड बहुत ही ज्यादा ऑफ हो जाता है, इसीलिए जिंगमिन शान डिसाइड करता है कि अब नेक्स्ट मीटिंग शेयर होल्डर से वो बात करेगा, और वो सारी चीजों को काफी अच्छे तरीके से हैंडल कर होल्डर्स भी जिंगमिन शान की वजह से राजी हो जाते हैं। तो मीटिंग में इस तरह से देखकर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रही होती है, और मनी मन में शायद उसे इसके लिए फीलिंग्स भी आ चुकी होती हैं। वो बहुत ही प्यार से जिंगमिन शान को देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में श्रिया जी से पूछती भी है कि आखिर में तुमने ये सब सीखा तो सीखा कहाँ से, बिजनेस की ये सारी चीजें हैं, इतने टाइम से मैं बिजनेस कर रही हूँ लेकिन तुम्हें तो मुझसे अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है, आखिर तुमने उन डीड शेयर होल्डर्स को कन्विंस कैसे करा, कहाँ से सीखा जरा मुझे भी बताओ। तो ये झूठ कहता है कि अरे मैंने ऑनलाइन कुछ वीडियोस देखकर ये सब टैक्टिक सीखे हैं, और इसीलिए ये इसे अप्रिशिएट करती है कि तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो, तुम बहुत सारी चीजें डिजर्व करते हो। इसके बाद ये इसे साथ चलने के लिए कहती है, तो ये पूछता है कहाँ जाना है, तो ये कहती है कि मील पर जाना है। तुमने आखिर इतना अच्छा काम करा है तो ट्रीट तो बनता है। जिंगमिन शान कहता है कि वेल मुझे तुम्हारे साथ मील खाना बहुत ही पसंद है। इसके बाद ये दोनों साथ में चले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम लो हैंग डैंग को देखते हैं जो कि श्रिया फैमिली वालों के साथ में बैठा हुआ होता है। यहाँ पर उसके डैड उसे कन्विंस करने की कोशिश में होते हैं कि अगर मेरी बेटी किसी और से शादी नहीं करती तो आज कंपनी का ये हाल नहीं होता, हमारे स्टॉक प्राइस इस तरह से नहीं गिरते। तो लो हैंग डैंग कहता है कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसने किसी और से शादी कर ली, जरूर उसकी कोई प्रॉब्लम होगी तभी तो उसने ऐसा करा है, लेकिन अगर वो अभी जिंगमिन शान को डिवोर्स देकर मुझसे शादी कर ले तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा सुनकर श्रिया के डैड हैरान हो जाते हैं और वो सोचने लग जाते हैं कि कैसा होगा अगर हम उसका डिवोर्स करा कर लो हैंग डैंग से शादी करा दें। वो लो हैंग डैंग से कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब आप बस इंतजार करिए, हम अपनी बेटी का डिवोर्स करा कर रहेंगे और वो आपसे ही शादी करेगी, इसके बाद शायद हमारी फैमिली का स्टॉक प्राइस भी ऊपर चला जाएगा। बाद ये श्रिया को कॉल करके तुरंत घर पर बुलाते हैं। जब श्रिया घर पर आती है तो ये पूरी फैमिली मिलकर उसके ऊपर प्रेशर बनाने लगती है लो हैंग डैंग से शादी करने के लिए। ये मना भी करती है और कहती भी है कि जिंगमिन शान बहुत ही अच्छा इंसान है, वो बहुत ही टैलेंटेड है। यहाँ पर इसकी बहन कह रही होती है कि बड़ी होने का इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कंपनी के साथ में कुछ भी करोगी, किसी भी भिखारी के साथ में शादी कर लोगी। लो हैंग डैंग तुमसे अभी भी प्यार करते हैं, तुम्हें इस चीज का शुक्र मनाना चाहिए। अगर कोई और बंदा होता तो तुम्हारी जैसी लड़की को तो कब का छोड़ देता, लेकिन उनके दिल में अभी तक तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। और ये सब सुनकर श्रिया को इतना गुस्सा आता है तो वो कहती है कि लो हैंग डैंग तुम्हें इतने ही पसंद है तो तुम भी शादी कर लो, वैसे भी तुम दोनों साथ में बेड शेयर करते हो। तो यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि ये क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो। श्रिया कहती है मेरे पास फोटो एंड वीडियोस भी हैं, बोलिए तो मैं आप सबको दिखा दूँ। लेकिन फिर डैड गुस्से में उठते हैं और कहते हैं कि बस हुआ तुम लोगों का ड्रामा। श्रिया के डैड कहते हैं कि तुमने आज ये तो साबित कर दिया कि तुम अपनी माँ पर गई हो, एकदम जिद्दी और बदतमीज, और इसे यहाँ से निकल जाने के लिए कह देते हैं। ऐसा कहकर उसके डैड चले जाते हैं। ये बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है, एक साइड में आकर ये बियर पी रही होती है और बहुत ही रो रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम जिंगमिन शान को देखते हैं जो कि गाना बजाकर फेस पर मास्क लगाकर अंधेरे में डांस कर रहा होता है और एकदम बंदर जैसा लग रहा होता है। और तभी यहाँ पर श्रिया यान आ जाती है और कहती है कि तुम क्या मस्त नाचते हो। जिंगमिन शान कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तुम इतनी रात को यहाँ आओगी। अब ये दोनों लोग साथ में मिलकर ड्रिंक करते हैं और ये लोग इतना ड्रिंक करते हैं कि इनका तो पेट ही भर जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये सोकर उठती है तो जिंगमिन शान इसके लिए ढेर सारा ब्रेकफास्ट बना कर रखता है।
और इसे ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है और तब तक ये बर्तन धुल लेगा। लेकिन ये इसे कहती है कि मेरे साथ डिनर पार्टी पर चलो। इसके बाद ये इसे डिनर पार्टी पर लेकर आती है। ये इसे कहती है कि आज मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है, क्या तुम जानते हो आज बहुत ही ज्यादा क्रूशियल मोमेंट होने वाला है, लेकिन तुम अपने आप को गार्ड डाउन नहीं होने देना। ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। री मिंगसियो कहता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन ना लो, मैं बहुत ही आराम से ये सब हैंडल कर लूं। जैसे ही ये इस पार्टी में एंटर करता है तो सभी के लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये सभी लोग री मिंगसियो को अच्छे से जानते हैं। ये सभी लोग पहले भी री मिंगसियो के साथ बिजनेस कर चुके हैं, लेकिन ये यहाँ पर सभी को इशारा करता है शांत रहने के लिए। ये सभी तो बैठते भी नहीं है जब तक री मिंगसियो नहीं बैठता है। ऐसा देख कर श्या म्यान बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर सभी इसके सामने इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं। अब नॉर्मल सी बात है कि ये सब इसकी इतनी इज्जत करते हैं तो कोई भी इसके अगेंस्ट नहीं जाएगा, और ये मीटिंग भी री मिंगसियो के फेवर में ही होने वाली है। वेल फाइनली ये प्रोजेक्ट श्या यान को मिल जाता है और वो बहुत ही खुश होती है। रात में ये लोग खूब सारा ड्रिंक करके आते हैं क्योंकि ये दोनों बहुत ही खुश होते हैं। जब ये इसे बेडरूम में लाकर बैठाती है तो ये इसे कहता है कि मेरे पास 2 मिनट के लिए रुक जाओ। जब ये इसके पास रुकती है तो ये कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो ये कहती है कि तुम अभी होश में नहीं हो। फिर ये इसका नाम लेकर कहता है श्या यान, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ, और ये ऐसा सुनकर ब्लश करने लग जाती है और फिर इसे यहाँ पर सुलाकर चादर उड़ा देती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग ये आकर देखती है कि ये फिर से इसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। ये कहती है कि मैंने आज तक कभी नहीं करा है, मुझे भी ट्राई करने दो, लेकिन ये तो अंडा ही फोड़ देती है। वेल नेक्स्ट सीन में ये लोग कंपनी में आते हैं तो यहाँ पर जो एक स्टाफ होता है जो जिनमिंग शिव के साथ बहुत ही अजीब तरह से बिहेव करता है, तो वो कहता है कि वेल तुम्हारा सूट काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। तो जिनमिंग शिव कहता है कि ये सूट तुम्हारे सूट से तो महंगा ही है। ये स्टाफ कहता है वेल तुम्हारे पैसे का थोड़ी ना है, तुम्हारी बॉस खरीद कर देती है तब जाकर तुम पहनते हो, नहीं तो तुम्हारी इतनी हैसियत कहाँ से इतना महंगा सूट पहनने की। अब तुम्हारा शुरुआती नाम जी है तो अपने आप को मिस्टर जी मत समझने लग जाना, तुम्हारे और उनमें जमीन आसमान का फर्क है। जी मिंगसियो कहता है अच्छा तो तुम जी को जानते हो। तो ये स्टाफ कहता है हाँ मैं उनका दोस्त हूँ, हमारी काफी अच्छी खासी बंदी है। जी मिंगसियो मनी मन में हंस रहा होता है और कहता है कि तुम दोनों कितनी बार मिल चुके हो, जरा मुझे भी बताओ, मैं भी उनके बारे में जानना चाहता हूँ, तुम दोनों की फ्रेंडशिप कैसी है। तो ये स्टाफ कहता है कि तुम जाओ अपनी नौकरी करो और मिडिल क्लास वाली लाइफ जियो, तुम क्या ही करोगे मिस्टर जी के बारे में जानकर, वो तुम्हारे स्टैंडर्ड एकदम अलग है। वेल नेक्स्ट डे जब ये लोग घर आते हैं तो फिर से पार्टी करते हैं और साथ में मिलकर वाइन पी रहे होते हैं, क्योंकि इन्हें बहुत ही खुशी होती है कि वो प्रोजेक्ट अच्छी तरह से इनके हाथ लग चुका है। वेल आज ये इससे सवाल कर ही लेती है कि जब तुम इतने ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम्हें इतना अच्छा खासा जॉब करने की कैपेबिलिटी है तुम्हें, तो तुम पहले ईटा बालू ढोने का काम क्यों किया करते थे, तुम पहले लेबर वाला काम क्यों करते थे, तुमने इतने अच्छे नॉलेज है, तुमने इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है। तो ये कहता है कि मैंने पहले कभी इतना ज्यादा कुछ सोचा नहीं। वेल नेक्स्ट डे जब ये दोनों ऑफिस में होते हैं तभी यहाँ पर इसके डैड आते हैं और श्या यान के डैड कहते हैं कि तुम इतने दिन से घर क्यों नहीं आई हो। श्या यान कहती है कि आप ही ने तो कहा था कि मैं दफा हो जाऊँ वहाँ से, तो मेरी जो मर्जी मैं जहाँ जाऊँ, आपसे क्या मतलब है, आपने तो मुझे अपने घर से निकाल ही दिया है। श्या यान के डैड जिनमिंगसियो को देखते हैं तो कहते हैं कि तुम जैसे बेकार इंसान मेरी बेटी का सहारा लेकर लाइफ में शॉर्टकट लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, पछताओगे तुम आगे चलकर। उनके डैड कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके तुम इस आदमी को छोड़ दो। वेल नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि कंपनी के सभी स्टाफ अपने में ही गॉसिप करने लग जाते हैं कि जी मिंगसियो और श्या मैम का जरूर कुछ चल रहा है, वो दोनों अक्सर साथ में ही होते हैं। सारे स्टाफ जी मिंगसियो से पूछा करते हैं कि तुम्हारा श्या मैम के साथ क्या चक्कर चल रहा है, क्या वो तुम्हारे शुगर मॉमी है। वो बेचारा इरिटेट हो जाता है, किसी को कह भी नहीं सकता कि इन दोनों की लीगल मैरिज है। लेकिन एक दिन फाइनली श्या मैम ऑफिस में सभी के सामने ये अनाउंस करती है कि मैं और श्या मिंगसियो दोनों लोग लीगल कपल है, हम दोनों ने शादी की है, और दूसरी चीज ये मेरा पर्सनल असिस्टेंट है। ऐसा सुनकर जी मिंगसियो कहता है कि फाइनली तुमने मेरे दिल की बात कर, अब जाकर मैं सुकून की सांस ले सकूंगा। वेल नेक्स्ट सीन में श्या मैम को कॉल आता है और बताया जाता है कि तुम्हारी मॉम की आखिरी निशानी जो कि वो नेकलेस थी जो वो तुम्हारे लिए छोड़ कर गई थी, वो अब जा चुका है। ऐसा सुनकर ये कहते कि मेरा इंतजार करो, मैं जल्द ही आती हूँ। जब ये घर पर आकर अपनी मम्मा का नेकलेस मांगती है तो इसकी जो स्टेप माँ होती है वो यहाँ पर कहती है कि हमें क्या मालूम तुम्हारी नेकलेस के बारे में, तुम्हें न कहीं खोवा दिया होगा और हमारे ऊपर आकर इल्जाम लगा रही हो। श्या के डैड कहते हैं कि देखो नाटक करना बंद करो, अगर तुम्हारे पास वो नेकलेस है तो श्या को दे दो, क्योंकि वो श्या की मॉम का है।
लेकिन शिया के स्टेप मॉम यहाँ पर बवाल करने लग जाती है और उसे नेकलेस देने से मना कर जाती है। तभी शिया की सिस्टर कहती है कि वो जो नेकलेस है ना, वो ऑक्शन के लिए जा चुका है। ऐसा सुनने के बाद ये इन सभी को बेशर्म कहती है और लालची इंसान कहकर यहाँ से गुस्से में चली जाती है। अब अपने बेस्ट फ्रेंड के पास आकर ये रोनर रोती है कि मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं उसे ऑक्शन में से छुड़ा सकूं, और ये अपने बेस्ट फ्रेंड से हेल्प मांगती है। इसका बेस्ट फ्रेंड इसे 50 मिलियन यौन देता है, जिसके बाद ये सोचती है कि शायद ये अपनी मम्मा का नेकलेस छुड़ा पाएगी। इसके बाद जब ये ऑक्शन में आती है तो जिंग मिंगशियो इसके साथ में होता है। यहाँ पर इसकी सिस्टर भी आई हुई होती है, वो भी लो हैंडान के साथ में। ये दोनों लोग मिलकर शियायान और जो मिंगशियो दोनों का ही मजाक उड़ाते हैं कि तुम दोनों के पास पैसे नहीं है और तुम दोनों ऑक्शन में आए हुए हो, खाली हाथ ही यहाँ से लौट कर जाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास पैसे तो है नहीं, कंपनी पानी में डूब गई है। तो फिर जिंग मिंगशियो कहता है कि देखते हैं कि आखिर नेकलेस कौन लेकर जाता है। अब ये लोग ऑक्शन में बैठे हुए होते हैं तो शुरुआत ही 10 मिलियन से होती है और 10 मिलियन के बाद सीधा कोई 100 मिलियन के लिए हाथ उठा देता है। ऐसा देखकर ये हैरान हो जाती है क्योंकि ये तो सिर्फ 50 मिलियन लेकर आई हुई होती है। लेकिन तभी जिंग मिंगशियो हाथ उठाता है और कहता है कि 110 मिलियन। ऐसा सुनकर ये कहती है क्या तुम मुझे बेच कर ये नेकलेस ले जाओगे। प्राइस बढ़ता जाता है और लास्ट में जिंग मिंगशियो 300 मिलियन पर रुकता है। इसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होती है 3 मिलियन यौन के आगे जाने के लिए, तो इसीलिए ये नेकलेस जिंग मिंगशियो को मिलता है। ऐसा देखकर शिया हैरान हो जाती है और कहती है कहीं तुम आज पी पा के तो नहीं आए हो ना, आखिर तुम 300 मिलियन कहाँ से पे करोगे, अपने आप को भी बेच दोगे तो भी तुम्हें 300 मिलियन नहीं मिलने वाला। और फिर यहाँ पर ऑक्शन लेडी आकर नेकलेस देती है और कहती है कि मैम पेमेंट हो चुका है तो नेकलेस ले जाइए। ये पूछती है पेमेंट किसने करा, तो ये इशारा कहकर कहती है कि आपके बगल में जो जिंग मिंगशियो सर है उन्हें नहीं पेमेंट करा है। ऐसा सुनकर इसे चक्कर आने लग जाते हैं। जिंग मिंगशियो कहता है कि चलो सर ऊपर करो, नेकलेस लो और पहले यहाँ से निकलो, फिर बाद में सवाल करते रहना। ये नेकलेस लेती है और बहुत ही प्राउडली यहाँ से निकलती है। बाहर आकर कहती है कि आखिर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, आखिर अगर तुम अपने आप को बेचोगे भी तो तुम्हें खरीदेगा कौन। तो फिर ये कहता है कि चलो आज टाइम आ ही गया कि मैं तुम्हें सच्चाई बता दूं। इसके बाद ये इसे बताता है कि मैं जिंग मिंगशियो हूँ, तो ये हंसने लगती है और कहती है कि हाँ मैं तो जानती हूँ कि तुम जिंग मिंगशियो हो। तो ये कहता है कि अरे वो गरीब वाला नहीं अमीर वाला जिंग मिंगशियो। तो ये कहती है क्या तुम जी फैमिली के जिंग मिंगशियो हो, तो ये कहता है हाँ। तो ये इसकी बातों पर बिलीव ही नहीं करती है। तो फिर ये इसे अपने आलीशान बंगले में लेकर आता है। यहाँ आकर इसे लगता है कि शायद ये मजाक कर रहा है। यहाँ छत पर आकर कहता है कि छत पे से तुम्हें जितने भी आइलैंड दिखाई दे रहे हैं वो सारे आइलैंड मेरे हैं। ऐसा देखकर इसे चक्कर आने लगता है और कहती है कि कहाँ से तुम ये मजाक कर रहे हो। तो फिर ये इसे सब बताता है कि आखिर ये अपनी आइडेंटिटी क्यों नहीं रिवील कर रहा था। ये कंपनी की वजह से और अपने पूर्वजों के कुछ नियमों की वजह से अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर ही काम करना पसंद करता है। तो फिर ये भी इसकी बातों पर बिलीव करती है, लेकिन फिर कहती है कि तुम मुझे तो बता ही सकते थे, आखिर हम दोनों ने शादी करी थी तो तुम्हें मुझसे तो शेयर करना चाहिए था। ये कहता है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें बताऊं कैसे, आखिर तुम इतनी अमीर लड़की और इतने गरीब कंस्ट्रक्शन साइट से उठे हुए लड़के से शादी कर ली, तो मुझे बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बता पा रहा था। ये कहती है तुम चाहते तो फॉर्मल वे में बता सकते थे। ये परेशान हो जाती है और कहती है मेरा सर दुख रहा है, मेरा सर फट जाएगा ये सब सुन सुन के, आखिर तुम इतने ज्यादा अमीर हो, तुम्हारे सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। और फिर इसे पर्स पकड़ा कर यहाँ से चली जाती है। शाम को ये दोनों साथ में होते हैं और एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। वेल तभी शाम को इसकी सिस्टर का कॉल आता है और ये शियामियान से कहती है कि मैं कैफे में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, मुझसे कोई जरूरी बात करनी है तो तुम जल्दी से यहाँ चली आओ। शियामियान कहती है हाँ मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है तो मैं तुमसे मिलने के लिए आती हूँ। जब ये अपनी बहन से मिलने के लिए आती है तो इसकी बहन कहती है इतनी हड़बड़ी क्या है बातचीत करने के लिए, पहले पानी तो पी लो। पानी पीने के बाद ये बेचारी बेहोश हो जाती है और तभी यहाँ पर इसका बेस्ट फ्रेंड आता है जो कि इसे इस कंडीशन में देखकर उठाने की कोशिश करता है। और तभी साइड से इसकी बहन आकर फोटोज बनाने लग जाती है और कहती है कि तुम मेरी फोटोज बनाकर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही थी तो चलो अब तुम्हारा चांस है। नेक्स्ट डे जिया मिंगशियो का सेक्रेटरी आकर कहता है कि ये देखिए न्यूज में क्या वायरल है कि शियामियान और उनके दोस्त दोनों का एक बहुत ही गंदा अफेयर है, मैं इस न्यूज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, ये न्यूज आग की तरह फैल रही है और मैम का नाम बदनाम हो रहा है। इसके बाद ये फटाफट शियामियान के पास आता है और तभी यहाँ पर इसके फ्रेंड को भी देखता है, लेकिन जिंग मिंगशियो बहुत ही चालाक है और वो जान जाता है कि ये सब किसी ने फ्रेम करा है, इसीलिए ये यहाँ पर आकर इसके बेस्ट फ्रेंड से लड़ाई नहीं करता है और कहता है कि तुम जानते हो कि किसी ने तुम दोनों को फ्रेम करा है तो तुम यहाँ पर अभी उसके साथ क्या कर रहे हो।
दोस्त कहता है कि उसकी हालत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं उसके साथ था। जिंग मिंगशू कहता है कि अब मैं आ गया हूँ तो तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि जाकर न्यूज़ देखो, न्यूज़ में कितनी गंदी बातें फैल रही है तुम दोनों के बारे में, तो अभी बेहतर होगा कि तुम उससे दूरी बना कर रहो। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शियायान की नींद खुलती है तो वो यहाँ पर जिंग मिंगशू को देखती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो जिंग मिंगशू इससे ज्यादा बात करने के लिए मना करता है और कहता है कि सबसे पहले तुम अपना ख्याल रखो, डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट लेने के लिए कहा है। दरअसल ये ऐसा इसलिए कह रहा होता है क्योंकि बाहर बहुत ही अजीब किस्म की न्यूज फैली हुई होती है और जिंग मिंगशू नहीं चाहता कि ये बाहर जाकर लोगों से ट्रोल हो और परेशान हो, इसीलिए ये इसे घर में स्टे करने के लिए कहता है। लेकिन फिर ये कहती है कि मेरा दोस्त आया हुआ था, वो कहाँ है? जिंग मिंगशू कहता है कि वो चला गया है, लेकिन फिर ये उसे कॉल करती है और कहती है कि तुम कहाँ हो? तो फिर वो कहता है कि मैं नीचे वाले फ्लोर में हूँ, और इसका दोस्त कॉल पर ही बताने लग जाता है कि न्यूज पर क्या क्या बातें फैली हुई है। लेकिन जिंग मिंगशू फोन छीन लेता है और कहता है कि ये आवाज़ क्यों कर रही है, लगता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम है, तुम बाद में बात कर लेना अपनी दोस्त से। फिर उसके बाद शियायान कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं अपनी बहन से मिलने के लिए गई थी और उसी ने मेरे साथ कुछ गलत करा है, जिसके बाद मैं बेहोश हो गई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी बहन मेरे साथ ऐसा करेगी। जिंग मिंगशू कहता है, घबराओ नहीं, हम बाद में इन सब चीजों से निपटेंगे, अभी तुम अपना ख्याल रखो और अच्छे से नींद पूरी करो। वेल, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो शियांग मैन की बहन होती है वो जियांग मिंगशांग से बनाई हुई पेंटिंग खुद का नाम लगाकर ऑक्शन में बेच रही होती है, और तभी यहाँ पर शियामियान और जिंग मिंगशान आ जाते हैं और यहाँ पर जिंग मिंगशान कहता है कि तुम्हारी पेंटिंग बड़ी अच्छी है, जरा बताओ कि तुम्हें इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? तो फिर ये चुप हो जाती है और उल्टा सीधा झूठ बोलती है। फिर जिंग मिंगशान इसके कान में बोलता है कि तुमने सारी हदें पार कर दी, तुमने मेरी वाइफ के साथ जो करा है मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, तुम दोबारा से एक बहुत बड़ी गलती करने वाली हो। मैं बता दूं कि ये पेंटिंग मैंने बनाई है और इंस्पिरेशन मुझे कहाँ से मिली, ये पेंटिंग मैंने क्यों बनाई और इससे जुड़ी हुई कई सारे सवाल जिसके जवाब सिर्फ मेरे पास है, बोलो तो मैं मीडिया वालों के सामने ये पोल खोल दूं। तो फिर ये घबरा जाती है और शियायान की बहन यहाँ से घबराते हुए चली जाती है। बाद में शियामियान जिंग मिंगशान से पूछती है कि आखिर तुम मेरी बहन के कान में क्या बोल रहे थे? तो ये कह रहा था कि मैं बस उसे बोल रहा था कि तुम्हें पेंटिंग की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है, तो वो ऐसा सुनकर चली गई, क्योंकि एक्चुअल में ये पेंटिंग तो उसकी है ही नहीं, वो सिर्फ झूठ बोल रही थी यहाँ न्यूज में। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब ये सुबह सोकर उठती है तो शियायान के दोस्त का फोन आता है और ये कहती है कि कंपनी में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, कंपनी के जो बोर्ड डायरेक्टर हैं वो तुम्हें कंपनी से बाहर निकालना चाहते हैं, तो जल्दी से यहाँ आकर सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करो, नहीं तो लोग तुम्हें गलत समझते रह जाएंगे। तभी जिंग मिंगशान आता है और कहता है कि चलो जल्दी से उठकर ब्रेकफास्ट कर लो, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा मूड ऑफ है, देखो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझे कह सकती हो, मैं चुटकी बजाते ही वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। शियामियान कहती है कि कोई नहीं, मैं इस बार अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करूंगी। और अब जब ये कंपनी में आती है तो यहाँ पर सभी लोग मिलकर इसके ऊपर गुस्सा कर रहे होते हैं, एक तरफ जिंग मिंगशान जो कि अपने सेक्रेटरी को कहता है कि शियामियान का पूरा ख्याल रखना, वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है हर एक बात मुझे बताना। यहाँ पर आज फिर से सभी लोग बिजनेस और प्राइवेट मैटर्स को मिक्स करते हैं और कहते हैं कि आपने लू हंगडान के साथ में अच्छा नहीं करा है, आपने कहा था कि हमारी कंपनी को प्रॉफिट होगा, हम तो इंतजार ही करते रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, शेयर होल्डर्स का भी लॉस हो रहा है और कंपनी अलग बदनाम हो रही है। शियामियान कहते हैं कि ये सारे बिजनेस प्रॉब्लम है, इन सबको हमें सॉल्व करना होगा, लेकिन मैं आपको देखती हूँ आप हमेशा मेरी प्राइवेट लाइफ को बीच में घसीटते रहते हैं। यहाँ पर इसकी स्टेप मॉम चिल्लाकर कहती है कि सभी से तमीज में बात करो, तुम बहुत कोई बहुत बड़ी मलिका नहीं हो, तुम्हारी वजह से शिया फैमिली की नाम बदनाम हो रही है, तुम्हें थोड़ा तो शर्म करना चाहिए, आखिर तुम हमारी बात मानती क्यों नहीं हो। ये अपनी स्टेप मॉम से कहती है कि आप कौन होती हैं यहाँ बोलने वाली, ना आपका इस कंपनी में कोई शेयर है, ना आप यहाँ काम करती हैं और ना ही आप शेयर होल्डर हैं, तो आप यहाँ पर मुझे क्यों बोल रही हैं और आप यहाँ पर बैठी तक क्यों, आपको तो यहाँ आना भी नहीं चाहिए। काम वाम कुछ आता नहीं है, सिर्फ बीच में आग लगाने के लिए चली आती है। इसकी बहन कहती है कि थोड़ा तो तमीज से बात करो, कितनों भी वो तुमसे बड़ी हैं। ये अपने स्टेप मॉम को बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन स्टेप मॉम जब नहीं उठ रही होती है तो ये सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती है और कहती है बाहर भेजने के लिए, तो इसकी मॉम उठकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद यहाँ पर एक एक करके ये सभी की क्लास लगाती है कि आखिर बिजनेस हैंडल कैसे होता है, सभी लोग सिर्फ एडवाइस देने के लिए चले आते हैं, काम हम किसी से कुछ नहीं होता, एक एक करके इसकी बात सुनकर यहाँ से उठकर चली जाते हैं। और यहाँ बचती है इसकी सिस्टर, सिस्टर कहती है कि तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा ईगो आ गया है, लगता है इसे खत्म करना होगा। तो फिर शियामियान कहती है जैसे तुमने मेरी मम्मा को खत्म किया वैसे मेरे ईगो भी खत्म करोगी। शियामियान की सिस्टर कहती है क्या सबूत है कि मैंने तुम्हारी मम्मा को खत्म करा है? शियामियान कहती है वो तो समय रहते पता चल जाएगा कि आखिर मेरी माँ का कातिल कौन है।
और जिस दिन मुझे पता चलेगा मैं उसकी लाइफ नर्क से भी बदतर बना दूंगी। नेक्स्ट सीन में ये घर पर होती है और अपनी मम्मा की तस्वीर देखकर चकरा कर बैठ जाती है और खुद से वादा करती है कि मैं आपके जो कातिल हैं उन लोगों से बदला जरूर लूंगी, ये मेरा वादा है आपसे। और जब ये उठने की कोशिश करती है तो इसे चक्कर आ जाता है, लेकिन जिंगमिंग श्यान इसे कैच कर लेता है। जिंगमिंग श्यान कहता है कि तुमने ब्रेकफास्ट नहीं करा है, तुम कितनी कमजोर हो गई हो, और फिर इसे यहाँ पर हक करके कंसोल करता है। अगले दिन हम देखते हैं कि इसका बर्थडे होता है। जिंगमिंग श्यान इसे बहुत ही अच्छा सरप्राइज करता है जिसकी वजह से ये बहुत ही खुश होती है। ये पूछती है कि क्या तुमने ये सारा कुछ अकेले प्रिपेयर करा है, तो ये कहता है हाँ, ये केक तुम्हारे लिए है और ये फ्लावर्स तुम्हारी मम्मा के लिए है। मैं जानता हूँ कि आज तुम्हारी मम्मा का डेथ एनिवर्सरी है, ये थैंक यू कहकर कहती है, लेकिन मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती। तो जिंगमिंग श्यान कहता है सोचो जरा, अगर तुम्हारी मम्मा यहाँ होती तो उन्हें कितना बुरा लगता जब तुम अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती। मैं जानता हूँ कि उनका डेथ एनिवर्सरी है, लेकिन हम दोनों चीज साथ में सेलिब्रेट कर सकते हैं। उनके गए हुए 20 साल हो चुके हैं और अब टाइम आ गया है कि तुम उस डिप्रेशन से बाहर आ जाओ। अब ये यहाँ पर कैंडल जलाता है ये कहते हुए कि मम्मा मैं हमेशा श्यामयान के साथ में रहूँगा, हमेशा इसे सपोर्ट करूँगा। ऐसा कुछ देखकर श्यामयान इमोशनल हो जाती है। ये दोनों लोग मिलकर यहाँ पर विश मांगते हैं। इसके बाद यहाँ पर इसका बेस्ट फ्रेंड आता है क्योंकि इसका बेस्ट फ्रेंड हमेशा इसके साथ इसके बर्थडे के दिन रहता है। ये इसे कॉल करता है तो श्यामयान कहती है कि आज मुझे कॉल मत करो, मैं जिंगमिंग श्यान के साथ में हूँ, ऐसा कहकर फोन कट कर देती। इसका दोस्त सोचता है कि आई होप दोनों लोग हमेशा खुश रहे, मैं अपनी दोस्त के लिए हमेशा उसकी खुशी ही चाहता हूँ। वेल, अगले दिन यहाँ पर मामा लियो इनसे मिलने के लिए आती है। ये जिंगमिंग श्यान से कहते हैं कि ये तुम्हारी मम्मा की ही तरह है, यानी कि तुम्हारी सासू माँ की ही तरह है। मेरी मम्मा के जाने के बाद उन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा करा है, तो वो मेरी माँ की ही तरह है। दरअसल ये श्यामयान की नैनी होती है और इन दोनों के बीच का बॉन्ड बहुत ही प्यारा होता है। नैनी के आते ही वो उन्हें माँ की तरह गले लगाती है और बहुत ही खुश होती है। माँ कहती है कि ये लड़का कौन है, तो वो कहती है कि ये मेरा हस्बैंड है, इसका नाम है जिंगमिंग शिव। ये मम्मा से पूछती है कि मम्मा आप क्या पियेंगी बताइए, तो ये कहती है कि थोड़ा गुनगुना पानी मिल जाता तो वो अच्छा रहता। जिंगमिंग श्यान उठकर पानी लाने के लिए जाता है, लेकिन श्यायान कहती है तुम बैठो मैं लेकर आती हूँ। यहाँ पर मम्मा कहती है कि मेरी बेटी को बचपन से ही खाना बनाने नहीं आता, वो प्रिंसेस की तरह रही है, तो आई मेक श्योर कि तुम्हें खाना बनाना जरूर आता होगा, मेरी प्रिंसेस को तुम अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाते होगे। तो ये कहता है हाँ मम्मा मुझे कुकिंग करना आती है। ये कहता है मैं अभी आपके लिए कुछ कुक करके लाता हूँ। ये किचन में आकर राज इतना नर्वस हो जाता है कि सिर्फ सब्जियां ही धोने लग जाता है, और तभी श्यायान आकर कहती है तुम इतना नर्वस क्यों हो रहे हो। ये नर्वस होने के चक्कर में इसे जोर से पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी मम्मी तो बहुत ही ज्यादा अजीब किस्म की है, वो इतना ज्यादा डेंजरस क्यों है। और तभी यहाँ पर लियो माँ आ जाती है, ये इन्हें देखकर फिर से नर्वस हो जाता है और कहता है कि मैं आपके लिए कुछ बनाकर ला ही रहा था। श्यामयान ये सब देखकर बहुत हंस रही होती है और वो इसके बड़े मजे ले रही होती है। इसके बाद ये सभी लोग मिलकर डिनर करते हैं। यहाँ पर मामा बार बार बोल रही होती है कि तुम मेरी प्रिंसेस का अच्छे से ख्याल रखना, कभी इसके ऊपर गुस्सा मत करना, ये बहुत ही सेंसिटिव है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब ये इसे फाइनली बता देता है कि बहुत साल पहले जब मैं पेरिस में स्टडी करने के लिए गया था तो मैं वहाँ पर सारा वॉलेट वगैरह चोरी हो गया था, जिस वजह से मेरे पास एक रुपए भी नहीं थे और मैं उस टाइम बहुत ही गरीब था, मेरा कोई बिजनेस वगैरह कुछ भी नहीं था और उस अनजान से शहर में मेरी कोई हेल्प करने वाला नहीं था। और तभी एक ब्यूटीफुल सी लड़की आई जिसने मुझे ढेर सारे पैसे दिए और अपना बिजनेस कार्ड दिया। ये बिजनेस कार्ड निकाल कर दिखाता है, ये कहती है तुमने अभी तक वो कार्ड संभाल कर रखा है, तो कहता है हाँ क्यों नहीं, और फिर ये भी बताता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम थी। उसके बाद से तुम्हारे दिमाग का इलाज होने लगा जिसके बाद तुम पेरिस छोड़ कर चली गयी, जिसके बाद तुम्हें कुछ भी चीजें याद नहीं थी ठीक से, इसीलिए मैं तुम्हें कभी भी ठीक से मिल नहीं पाया। ये इसे बताता है कि जिस दिन तुमने इसकी हेल्प करी थी उसी दिन से मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया था, लेकिन बस मुझे कभी मौका नहीं मिला तुमसे मिलने का या फिर तुमसे कभी ये कहने का। नेक्स्ट सीन में ये लोग सो रहे होते हैं, तभी जिंगमिंग श्यान के ग्रैंडपा का कॉल आता है और वो मिलने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन तभी वो श्यायान की आवाज़ सुनते हैं और कहता है ये किसकी आवाज़ है। ये कहता है ऑफ कोर्स मेरी वाइफ की आवाज़ है, अब मैं किसी और की वाइफ के बगल में तो सोऊंगा नहीं, अपनी ही वाइफ के साथ सोऊंगा। ये कहते हैं कि जल्दी से उसे ले कराओ, मुझे उससे मिलना है। ये कहती है मुझे नींद आ रहा है, तो ये ग्रैंडफादर से कहता है कि ग्रैंडपा उसे नींद आ रहा है, लेकिन फिर ये उठकर कहती है अरे मैं मजाक कर रही हूँ चलो जल्दी। ग्रैंडपा अपनी बहू को देखते ही पोते की बात करने लग जाते हैं और कहते हैं कि अब जल्दी से मुझे हट्टा कट्टा सा पोता दे दो, तुम लोगों ने ऐसे ही बहुत लेट शादी करी है, बिजनेस के चक्कर में तुम लोगों ने अपनी आधी और जवानी निकाल दी, तो अब जल्दी से मुझे पोता चाहिए या फिर पोती भी चलेगी। एक तरफ श्यायान की सिस्टर अपनी मम्मा से कह रही होती
कि मम्मा शायान अपनी मम्मा की डेथ का एविडेंस ढूंढ रही है। मुझे डर है कि कहीं उसे कुछ ऐसा वैसा ना मिल जाए। तो इसकी मम्मा कहती है, उनके मरे 20 साल हो गए, उसके हाथ क्या ही एविडेंस लगेगा। अच्छा होगा कि अगर हम चुप रहे। वेल, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि श्यामयान को कोई किडनैप कर लेता है और जिंगमिन श्यू का सेक्रेटरी उसे ये बात बताता है कि मैम को किसी ने किडनैप कर लिया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि श्यामयान को कोई और नहीं बल्कि उसके खुद की स्टेप मदर किडनैप करती है और कहती है शिया फैमिली के प्रॉपर्टी पर साइन करने के लिए, क्योंकि ये फर्स्ट मदर से रियल बेटी ही होती है, इसीलिए ज्यादातर प्रॉपर्टी, ज्यादातर शेयर्स और बिजनेस की प्रॉपर्टीज सारी शिया के नाम पर होते हैं, क्योंकि सारी मेहनत इसकी मम्मा की होती है। ये कहती है कि मैं साइन कर दूंगी, लेकिन पहले बताओ कि तुमने मेरी मम्मा को क्यों मारा। ये कहती है कि तुम्हारी मम्मा हार्ट डिसीज थी, तुम्हारी मम्मा को दिल की बीमारी थी, लेकिन उन्हें हार्ट अटैक ऐसे नहीं आया, मैंने उनकी दवाई ही बदल दी थी, जिसके बाद बेचारी को हार्ट अटैक आ गया और वो ऊपर भगवान के पास जा पहुंची। मुझे बहुत ही मजा आया, मैं एक्साइटमेंट के मारे पागल हो गई थी, क्योंकि मैं आखिर इतने अमीर खानदान में शादी करने वाली थी। उसके बाद से तो मेरी किस्मत ही बदल गई, लेकिन तुम्हारी माँ अपने पीछे तुम्हें छोड़कर चली गई, जिसने हमारी नाक में दम करके रख दिया, और अब टाइम है कि मैं तुम्हें भी तुम्हारी माँ के पास भेज दो और अपनी बची खुची जिंदगी आराम से बिताऊं। ये इसे मारने वाली होती है, तभी जिंगमिंग शान यहाँ आ जाता है और जिंगमिंग शान को चोट लग जाती है। स्टेप मदर को भी लोग पकड़ लेते हैं और जिंगमिंग शान को भी अब लोग हॉस्पिटल में ले आते हैं। यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट चलता है और ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। और फिर यहाँ पर श्यामयान आती है। ये इतना ज्यादा वर्कहॉलिक है कि हॉस्पिटल में बैठे बैठे वर्क करता है, क्योंकि वर्कलोड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। ये हॉस्पिटल में कई दिनों से एडमिट होता है। वेल, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि श्यामयान अपने हस्बैंड की पेंटिंग बना रही होती है, शायद उसे सरप्राइज देने वाली होती है, और तभी यहाँ पर जिंगमिंग शू आता है। इसके बाद जिंगमिंग शू ये पेंटिंग देखकर इसकी बहुत तारीफ करता है और फिर ये इसे किस भी करता है। अब शाम को ये इससे कहती है कि मुझे लगा था कि मेरी शादी लू हांगसोंग से होगी, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मैं तुमसे मिलूंगी। ये कहता है कि शिया फैमिली ओरिजिनली तो तुम्हारी है, क्योंकि ये सब तुम्हारी मम्मा की मेहनत थी, और मेरे पास भी जो कुछ भी है वो सब भी तुम्हारा ही है। ये लोग यहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि तभी पता नहीं अचानक से श्यामयान को क्या हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि श्यामयान का जो फ्रेंड होता है वो भी हॉस्पिटल में ही होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इसकी दोस्त की तबीयत खराब हुई है, तो ये हमेशा इसके आसपास ही रहता है। इसकी दोस्त को डॉक्टर बताते हैं कि श्यामयान के पास सिर्फ 3 महीने हैं। इसका दोस्त परेशान हो जाता है और कहता है डॉक्टर प्लीज कोई तरीका निकालिए, कोई तो रास्ता होगा। डॉक्टर कहते हैं और कोई तरीका नहीं है, हमने सारे मेडिकल टर्म्स में रिसर्च कर लिए, लेकिन इनकी बीमारी का कोई क्योर नहीं है। इसका दोस्त कहता है कि मैं फौरन के भी डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करूंगा, जो भी पॉसिबिलिटीज है वो सारा कुछ करिए आप, लेकिन बस श्यामयान को बचा लीजिए, इस बीमारी का क्योर ढूंढ लीजिए। डॉक्टर कहते हैं कि हमने अपना बेस्ट ट्राई किया है, इसका कोई क्योर नहीं है, मैं आपको झूठी होप नहीं देना चाहता। उस श्यामयान के पास आता है तो जिंगमिंग शान कहता है कि डॉक्टर ने क्या कहा, तो ये जिंगमिंग शान से झूठ कह देता है कि इतना कोई सीरियस बात नहीं है, लो ब्लड शुगर है, खाने पीने पे ध्यान देगी तो ठीक हो जाएगी। श्यामयान जिंगमिंग शान से कहते हैं कि जाओ मेरे लिए मीट बंस लेकर आओ। इसके बाद ये अपने दोस्त से कहती है कि एक्चुअल में डॉक्टर ने क्या कहा है मुझे बताओ। इसका दोस्त उसे बताता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने हैं, तुम्हें एक्चुअल में बहुत ही सीरियस बीमारी है जिसका कोई क्योर नहीं है मेडिकल इंडस्ट्री में। श्यामयान कहती है ध्यान देना कि ये बात मेरे हस्बैंड को ना पता चले। अब जैसे ही जिंगमिंग शू इसके लिए मटन बन लेकर आता है तो ये अपने ही फ्रेंड के साथ चिपकने का नाटक करने लग जाती है और ये शो करने की कोशिश करती है जैसे कि ये अपने हस्बैंड को चीट कर रही है। धीरे धीरे करके ये जिंगमिंग शू से दूरियां बनाने लग जाती है और फिर एक दिन ऐसा आता है कि ये इसे फाइनली डिवोर्स के लिए बोल देती है। ऐसा सुनकर जिंगमिंग शू हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें कितने साल से प्यार कर रहा हूँ, तुम ऐसे मुझे डिवोर्स कैसे दे सकती हो। ये कहती है तुम भले प्यार करते हो बट मैं तो नहीं करती, मैं तुम्हें सिर्फ अपनी जरूरत के लिए यूज कर रही थी और अब मैं अपने फ्रेंड के साथ रहना चाहती हूँ जिसे मैं बचपन से प्यार करते आई हूँ। ऐसा सब कुछ सुन के ये हैरान हो जाता है और सोचता है कि मुझे नहीं मालूम था कि श्यामयान ऐसा कर सकती है, और फिर ये दुखी के मारे खूब ड्रिंक करता है, पागल हो जाता है एकदम से और रोड पर फिरा फिरा मरता है और ढेर सारे ड्रिंक्स भी करता है। ये जब भी श्यामयान से मिलने की कोशिश करता है तो वो हमेशा रूड बिहेव करती है, फाइनली डिवोर्स पेपर भेजकर डिवोर्स भी ले लेती है, लेकिन ये डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं कर। ऐसे ही करते करते कई साल गुजर जाते हैं और फिर एक दिन श्यामयान की फ्रेंड टोटल 5 साल बाद आखिर जिंगमिंग श्यान से मिलती है
और कहती है कि तुम शायान को मिस नहीं करते, तो ये कहता है कि मैं क्या करूंगा उसे मिस करके, जब उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है। उसने मुझे ठुकरा दिया, मैं उससे कितना प्यार करता था, लेकिन उसे मेरा प्यार की कोई वैल्यू ही नहीं थी। तो फिर ये सारी कहानी बताती है कि 5 साल तक मैं अपनी दोस्त के साथ थी। फ्रांस में उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी, बहुत ही बुरे कंडीशन से वो गुजर रही थी, कोई चांस नहीं था कि वो जिंदा बचेगी, लेकिन कुछ डॉक्टर्स की वजह से आज वो इस दुनिया में है, नहीं तो वो तो 3 महीनों में ही मरने वाली थी। इसीलिए उसने तुम्हें अपने आप से दूर कर दी ताकि तुम्हें हर्ट ना हो सके, सिर्फ तुम्हारी फीलिंग हर्ट ना हो। इसीलिए उसने अपने आप को हर्ट करा और इसीलिए वो इतने साल से अकेले रह रही है। उसका जो बेस्ट फ्रेंड है वो तो उसके भाई की तरह है, उसे हर चीज में सपोर्ट करता है, भले ही खून का रिश्ता नहीं है लेकिन वो दोनों भाई बहन जैसे हैं। ऐसा सब कुछ सुनकर ये हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। तो ये कहती है कि मैं अपनी दोस्त की वजह से परेशान थी, उसके साथ ही मैं फ्रांस में थी, उसकी ट्रीटमेंट और उसका मैं ख्याल रख रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि तुम दोनों के बीच में ऐसा कुछ हो रहा है, मुझे तो बहुत टाइम बाद पता चला कि तुम दोनों अलग हो चुके हो। इतना सब कुछ सुनने के बाद ये बहुत रिग्रेट फील करता है कि काश ये उस वक्त थोड़ी कोशिश करता कि आखिर श्याम्यान ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन इसे कुछ पता ही नहीं चल पाता। और अब ये श्याम्यान के पास जाता है। श्याम्यान बहुत ही बुरे कंडीशन में होती है, वो एकदम अकेली होती है, अपने हॉबी के साथ अपनी पेंटिंग वगैरह कर रही होती है। जिंगमिंग शिव इसके पास आकर कहता है कि चलो फाइनली टाइम आ गया है कि हम दोनों साथ रहें, अब हम दोनों को अकेले रहने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों को अपने घर चलकर साथ में प्यार से रहना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।